तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। हमारा मैं कटोन तीनों के साथ यहां पे निकल चुका था, हल्की सी एडवेंचर हो भी चुकी थी और आगे यहां पे जाते हैं तो लड़की ओयंग कहती सुनो यार आगे चल के खतरा और यहां पे रहेगा, संभल के रहना। तेलो कहते ओके ठीक है। जो शाओइंग यहां पे था वही लड़का जो अभी हमारे मेकट के साथ है, एक लकड़ी है ना हमारे मेकट को पकड़वा देता है। ये कहते सुनो आगे चल के ना एक अजीब सा कोई कीड़ा या मॉन्स्टर यहां पे रहता है जिसका काम है इल्यूजन बनाने का। इल्यूजन बना के ना बंदों को अपने जाल में फंसा देता है। ये लकड़ी यहां पे पकड़े रहो ताकि ना तुम मेरे से दूर यहां पे ना चले जाओ। ये कहते ओके ठीक है। सीनियर लकड़ी पकड़ लेता है, मनी मन सोचता है मैंने लकड़ी पकड़ी है ना, आई डोंट नो मुझे फीलिंग आ रही है कि मैंने किसी का पकड़ लिया है। उसके बाद ना भाई ये लोग उस एरिया के अंदर यहाँ पे एंट्री मारते हैं, धीरे धीरे आगे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ये याद करता है जय माता जी कुछ हो ना जाए। और तभी ये खुद को ना अजीब से जगह पे पाता है, हिल जाता है, कह रहे मम्मी रे मैं कहाँ चला गया। नहीं 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 उसने कहा था इल्यूजन हो सकता है, हाँ ये पक्का यहाँ पे इल्यूजन होगा। उतने में लकड़ी जो इसने पकड़ा था ना, लकड़ी के बदले जो ली है ना, ली सामने आ चुकी थी जिसने इसका हाथ पकड़ा था। और कहती बोलो यार बाबू क्या हो गया, आप अचानक से रुक गए, आपको आगे नहीं बढ़ना क्या। ये हिल जाते कि भाई ली ली यहाँ पे क्या करिए, नहीं ये ली नहीं होगी, ये पक्का इल्यूजन यहाँ पर होगा। ली इसको नीचे गिरा देती है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना चालू कर देती है। ये कहते हुए आपको याद है आपने उस दिन हमारे साथ यहाँ पे जबरदस्ती किया था, हमको पेला था आपने, लेकिन आज हमारी बारी है, आज हम आपके साथ यहाँ पे जबरदस्ती करेंगे, ईश्वर डुओ कल्टिवेशन यहाँ पे करेंगे, चलिए शुरू हो जाते। इतना बोल के अपने ऊपर का जो टॉप है ना टॉप उतार देती है। हमारा मेकअप समझ जाता कि सीनियली ना कभी भी ऐसा नहीं करेगी, यानी ये 200% यहाँ पे इल्यूजन है। इल्यूजन और सीनियली वो तो पूरा करने को तैयार है कि आइए आइए शुरू करते हैं। ये तो पूरा दम ठान के रख बैठा है कि हाँ भैया सीनियली ये इल्यूजन यहाँ पर है, तो जोश में आता है और इल्यूजन को दूर करता है और कहता है नो यू आर फकिंग इल्यूजन, तो दूर हो जाए मेरे नजर से। तो सामने से इल्यूजन वाली ली भी कहती हो तो तुमने भाई पहचान लिया, तुमको आइडिया लग गया ये इल्यूजन यहाँ पर है, लेकिन अब लेट हो गया। इस जगह कहते हैं ड्रीम फॉरेस्ट, यहाँ से कोई भी बच के जा नहीं सकता, तू भी बच के नहीं जाएगा, और अपने पूरे मास्टर के फॉर्म में आ जाती है। हमारा मेकट भी अपना सोल लेकर ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये कहते हैं भाई मरेंगे लेकिन मैं नहीं बल्कि तू मरेगी, इतना बोल के हमला कर ही देता है। वो भी सामने से हमला रोक रही है, आवाज आती हो या कि ये कहते हो भाई जल्दी से होश में आओ, जल्दी से होश में आओ। ये मैं हूँ, होश में आता इल्यूजन से बाहर निकल जाता है, जो तलवार का हमला ना वो ओयंग को लगने वाला। ओयंग ने अपने हाथों से रोक के रखा था, ओयंग के हाथों में ऐसा खून वून भी आ जाता है। ये भी रोक लेता है, वो कहता सॉरी यार मैं इल्यूजन में आ गया था, मुझे लगा सामने कोई शैतान वैतान यहाँ पर है, थैंक यू आपने मुझे होश में लाया, वरना आई डोंट नो क्या हो जाता। ये भी कहती हमने पहले भी कहता एरिया थोड़ा सा डेंजरस है, संभल के रहना, शाओइंग तुम्हारे साथ यहाँ पे था, उसका कोई अता पता नहीं है कहाँ गया। तो ये कहते कि आई डोंट नो यार उन्होंने अपने लकड़ी मुझे पकड़वा दिया था, मैं लकड़ी पकड़ के उनके साथ आ रहा था, फिर अचानक से ना वो डिसअपीयर हो गए और मैं इल्यूजन के अंदर यहाँ पे फंस गया, क्या हुआ मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। ये भी कहती है ऐसी बात है, डोंट वरी हम लोग आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के बाद ना उनको ढूंढेंगे। तो दोनों आगे बढ़ने लग जाते और तभी आस पास जो जड़बड़ी यहाँ पे था ना, वो जड़बड़ी यहाँ पे हिलने लग जाता है। ये भी कंफ्यूज भाई क्या चल रहा है, वो एंगती और शिट यार अभी होना जरूरी था क्या, नहीं नहीं यार हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। हमारे मेकर टक हाथ पकड़ती है और कहते चलो भागो यहाँ से, भागते धीरे धीरे जो गुफन है गुफन में रिएक्शन होता है हल्का सा कांप रहा, जो जड़बड़ है ना और भी हिले जा रहा है। हमारा मेकर टक भी कंफ्यूज की मैडम चल के यार अभी बताओगी क्या। ये कहती है कि भाई यार एक मॉन्स्टर यहाँ पर है, जड़ वाला मॉन्स्टर जो कि यहाँ पे सोता है, लगभग 100 साल में ना 2 बार यहाँ पे जगता है और आज के दिन वो यहाँ पे जग चुका है। यार हमारा नसीब ही खराब है कि आज ही के दिन उसको जगना जरूरी था क्या। डोंट वरी यहाँ से निकलने की कोशिश करो, लेकिन जब तक लेट हो जाता है नहीं निकल पाते। देख सकते हुए मॉन्स्टर सामने आ जाता है, उसका जो जड़ है ना वो जड़ों से हमला कर देता है। हमारा मेकटर अपना तलवार निकालता है और जड़ों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जड़ पर हल्का सा भी असर नहीं होता, जड़ एकदम सही सलामत है। ये हिल जाता भी सोड़ भी बेकार हो गया इसके सामने। ओयंग यहाँ पे दिन वो हमले से हल करके वो जड़ की ऐसा कुटाई करती है, जड़ बढ़िया पर तोड़ती है। जो देख के मेकटर चौंक जाता है, वो यार सीनियर तो सची में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तलवार से तोड़ नहीं पा रहा, वो अपने अटैक से तोड़ दे रही है। और तभी एक जड़ का हमला इसके पैर पे आता है, इसके पैर को जकड़ लेता है, उसी जड़ में इल्यूजन करने की पावर यहाँ पे थी, यानी ये वापस इल्यूजन में गिर जाता है और फिर से इल्यूजन में इसको ली दिखा देती है। पहले एक यहाँ पे थी लेकिन इस बार यहाँ पे तीन तीन आ जाती है, तीनों ने काफी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहने थे और सेम बात है बोलती कि अरे यार चलो यार हम लोग भर भर के डुओ कल्टिवेशन करते जब तक ना भाई 1 साल का टाइम ना गुजर जाए। ये भी जैसा उसके इल्यूजन में आ रहा था तो ओयंग आवाज लगाते कि हेलो सुनो यार होश में आओ, इल्यूजन में फंसे मत रहो। ये भी होश में आता कि शिट यार मुझे फिर से इल्यूजन में यहाँ पे फंसा दिया, अगर ऐसे चलता रहा ना इल्यूजन से साली मेरी बैंड यहाँ पे बजा देगा ये मॉन्स्टर, और 1 सेकंड अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे चक्कर में ना बेचारी जो ओयंग है ना ओयंग भी मुसीबत में आ जाएगा। इसलिए कहते सुनिए ओयंग यार आप बाहर यहाँ पे जाइए, आप मेरे बारे में टेंशन मत लीजिए, आने से पहले जेंग ने मुझे स्केप टैलिस्मैन दिया था, बाई चांस मुसीबत में आ जाओ हाँ तो स्केप टैलिस्मैन यूज करके मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। ये कहती मैंने ना अपने मास्टर यानी जेंग से वादा किया था कि आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी मरते दम तक, और
जो मैं वादा करती हूँ वो वादा यहाँ पे निभाती भी हूँ, इसके लिए मैं बिल्कुल भी बाहर जाने वाली नहीं हूँ। अपने साथ जो बड़ा सा बक्सा लेकर आए थे जिसमें सामान वामान यहाँ पे थे, वो बक्सा उतारती है, बक्सा ना चैन से बंधा हुआ था, वो चैन ऐसा वैसा चैन नहीं था, वो चैन एक वेपन यहाँ पे था, वो ऐसा चैन निकलता तेजी का स्पीड से जाता है और जो मॉन्स्टर उसके कोने पर मार मार के उसके टुकड़े कर देती है, जिसके बाद इनको अच्छा मौका मिलता है तो दोनों को दोनों ने उस गुफा से फाइनली निकल जाते हैं। लेकिन इस बिचारी को चोट यहाँ पे लग चुका था बहुत ज्यादा, तो हमारा भी मेकअप पूछता आ रही है ऑलराइट ये कतियास आया मोरेट में ठीक हूँ, हल्का सा चोट लगा है जो मेरी कवर यहाँ पे कर लूंगी। हाँ लेकिन ये जो बक्सा इसके ऊपर का जो चैन ये सब जो मैंने यूज किया ना इसके बारे में प्लीज किसी को मत बताना कि मैंने यूज किया। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है डोंट वरी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उतने में बाकी दोनों जो लौंडे यहाँ पे थे भाई वो दोनों भी आ जाते, आते ऐसा टेंशन लेने का नाटक करते, अरे यार अरे यार आप दोनों सही सलामत हो ना, ठैंक गॉड यार अचानक से मॉन्स्टर भाई आज ही जग जाएगा, हमको आइडिया लगा नहीं था लेकिन आपको सेफ देकर हमको भी अच्छा लग रहा है। सामने से हमारे मेकअप भी कहता है शुक्रिया टेंशन लेने के लिए, मनी मन सोच रहा कि वेल यार हमारी तो फड़के चार हो गई, अगर ऐसा ही टाइम पे बक्से का चैन यूज ना करती तो शायद हम लोग मर जाते, लेकिन इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि इन दोनों को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में जो लकड़ी उन्होंने मुझे पकड़वाया था ना वो लकड़ी से मैं अलग हो गया, मुझे लगा कि शायद गलती से हो गया, लेकिन अब लगता है कि नहीं भाई ये जानबूझ कर हमको मरवाना चाहते हैं, हमको नुकसान पहुंचवाना चाहते हैं। उसका जो यंग है ना वो शाविन पे गुस्सा करती है कि तू हर माई के यार तूने उसका लकड़ी यहाँ पे पकड़ के रखा था ना, तो भाई तूने छोड़ा काई को यार, अगर सही टाइम पे मैं बचाने ना जाती बेचारे का अंजाम यहाँ पे बुरा हो जाता। ये भी कहता सॉरी फेंग भी हल्का सा मुसीबत में आ गया था ना तो उसको बचाने के चला गया, मुझे इसका ध्यान ही यहाँ पे नहीं रहा तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहती आज दोस्ती के नाते मैं माफ कर देती हूँ कि भाई तू दोस्त यहाँ पे लंबे समय से जानते हैं, लेकिन आगे चल के ऐसा कुछ हुआ ना तो भाई तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तो वो भी कहता यार ये पहली बार था वापस नहीं होगा। हमारा मैं कहता तो समझ जाता कि नहीं ये जानबूझ के मुझे छोड़ गया, ये मुझे नुकसान पहुंचाना ही चाहता यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता मैं ये किसी और के लिए काम करता, कोई और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और आगे भी कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा ही मुझे नुकसान पहुंचाने का, थोड़ा इससे संभल के रहना चाहिए। उसके बाद इस एरिया से निकल के दूसरे किसी और एरिया में जाने को तैयार थे, किसी और गुफा में, और उससे पहले खाई यहाँ पे थी वो खाई क्रॉस करना था, उसके ऊपर ऐसा ब्रिज बना हुआ था चट्टान का, वो बताती भाई सुनो ये जो एरिया ना आगे और डेंजरस होने वाला क्योंकि वहाँ पे यिंग यांग एनर्जी दोनों मिक्स यहाँ पे रहती है, हमारे पास ही रहना, गलती से भी दूर मत चल जाना, पिछले बार नसीब अच्छा था बच गए अगली बार नहीं बच पाओगे। ये भी कहता यार जो फेंग यहाँ पे था ना मजाक उड़ाता है कि अरे यार बाई चांस अगर तुम्हारी मौत यहाँ पर हो गई ना हमको ब्लेम यहाँ पे मत करना, ये जो खाई के नीचे यहाँ पे गिर गया ना तुम्हारी बॉडी के हजार टुकड़े हो जाएंगे जो तुम्हारी आत्मा भी ढूंढ नहीं पाएगी। इसको गुस्सा आता है कि अरे यार ये तो फिर से मेरी यहाँ पे ले रहा है, सामने सोयंग गुस्सा करते हुए फिर से तो इसको मजाक यहाँ पे उड़ा रहा है, या तुमको क्या काम मिला था प्रोडक्शन करने का ना कि मजाक यहाँ पे उड़ाने का। वो भी कहता सॉरी मजाक कर रहा था, सीरियस यहाँ पे काई को होती हो। हमारा मेकअप भी कहता थैंक यू मुझे डिमांड करवाने के लिए, मनी मन सोचते गिरवाना चाहता रुको भाई सालू क्या लेता हूँ, मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आ रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।